What's going on guys, my name is Utkarsh and you are watching UTK Gamer. और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ट्रिक की, जिससे आप अपने माइनक्राफ्ट के जो ग्राफिक्स हैं उन्हें इन्हेंस कर सकते हैं एक शेडर एक्टिवेट करके. सो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी है वो शेडर. जाएंगे अपने ग्लोबल रिसोर्सेज में और ये देखिए गाइज, ये है वो पिस टेक्स्ट HDV11. सो ये शेडर एक्टिवेट कर लीजिएगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो के, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो. और फिलहाल इसे हमने एक्टिवेट किया हुआ है, सो चलते हैं अपने सर्वर में. आप इसे एक्टिवेट करके अपने वर्ल्ड कोई भी रियलम या कोई किसी भी सर्वर में लॉगिन हो सकते हो. फिलहाल हम अपने MCPE में लॉगिन होने वाले हैं, सो वेट करते हैं इसके ओपन होने का. वाओ, तो गाइज हम लॉगिन हो चुके हैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद अपने MCPE में और आप देख सकते हैं इसके ग्राफिक्स कितने इम्प्रूव हो चुके हैं. सो काफ़ी अच्छी शेडर है और ये कंपेटिबल है ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस में. और देखिए कितने बढ़िया ग्राफिक्स लग रहे हैं. और ये चिनमे का घर है, चलिए इसके घर के छत पे से जाके मैं आपको ग्राफिक्स दिखाता हूँ. ओके, सो अंदर से भी देख सकते हैं आप क्या शेडिंग वगैरह, ये जो देखिए आप स्टेयर्स पर शेडिंग जो आ रही है, शेडो वगैरह सब चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है. ये देखिए गाइस, शेडिंग जो है ब्लैक की और इसकी कितनी अच्छी लग रही है गाइस. और अभी ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है. ये देखिए गाइस, ये देखिए ये ऊपर हमारा आइस फार्म था. ओके गाइस, ये देखिए ये कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है. एक मिनट, ओ शिट मैन. सो यहाँ पर मैगमा वो ब्लॉक रखा हुआ है. ओके, तो मैं इधर से दिखाता हूँ आपको इसके ऊपर चढ़ के. ये देखिए गाइस कितना अच्छा व्यू लग रहा है, कितने बढ़िया ग्राफिक्स लग रहे हैं. जो अपना शेडिंग वगैरह आती है वो कितनी रियलिस्टिक लग रही है एकदम. सो काफ़ी जो मॉडर्न लगता है इस वाले शेडर पैक से अपना जो वर्ल्ड है या कोई भी सर्वर में आप खेलते हो. सो इसको भी एक्टिवेट कर सकते हो अपने डिवाइस में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इसका, सो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप. और ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, शेडो वगैरह. सो फिलहाल मैं यहाँ से चलता हूँ लैंटर्न पे और फिर नीचे ज़मीन पे. ओके गाइस, सो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है. और मेरे ख्याल से अभी कोई ऑनलाइन है नहीं यहाँ पे, इसलिए खाली खाली सा लग रहा है. कोई बात नहीं, मैं दिखा जाता हूँ काफ़ी सारे इसमें जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं. और ये देखिए जो पानी वाटरफॉल है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है वाटरफॉल. मैं भी आपको इसके ऊपर जाके दिखाता हूँ. ये देखिए वाटरफॉल बिल्कुल रियल लग रहा है, जैसे रियल वाटरफॉल हो. अच्छा ओके, सो चिन में ऑनलाइन है, मेरे नीचे चिन में है. ओके ओके, शिट, मैं तो गया, बच गया, थैंक गॉड. ओके, तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं, इसको चिन में को जाने देते हैं पहले आगे. सो गाइज ये देखिए स्वर्ग की सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर. और ये देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है, पेड़ भी. और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, इसके जो ट्रीज़ के जो लीव्स हैं वो भी हिलती हैं, वो भी बिल्कुल काफ़ी अच्छे लगता है वो टेक्सचर. मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सन, बिल्कुल जो इफ़ेक्ट है सन का, उसके पास जाने का, उसके कैमरा पे लाने का, वो काफ़ी अच्छा यूनिक लग रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला रिसोर्स पैक शेडर. और गाइस काफ़ी लोगों ने मेरे से बोला कि हमारे डिवाइस में जो शेडर वगैरह है वो कंपेटेबल नहीं करती, अब ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, बिल्कुल जो है गेम हमारा जो क्रैश हो जाता है. सो गाइस ये वाले जो शेडर है और जो जिसमें मैं खेल रहा हूँ, इसमें ये सारे एरर्स जो हैं फ्री कर रखे हैं, मतलब इसमें ऐसा कोई एरर नहीं आएगा कि ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी या फिर कंपेटेबल नहीं है आपके डिवाइस के लिए, कोई एरर नहीं आएंगे, जीरो एरर है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था. सो इसे आप ज़रूर टेस्ट करें एक बार अपने डिवाइस में, काफ़ी अच्छी शेडर है और कंपेटिबल है ऑलमोस्ट सभी डिवाइस में. और ये देखिए ये मेरे घर के अंदर से है, ये देखिए आप शेडो वगैरह जो आ रही हैं. और ये देखिए
मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, नीचे जो है एक या दो ही टॉर्च हैं, उनकी शेडोज़ का जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी काफ़ी अच्छा आता है। ये देखिए गाइस, टॉर्च देखो और शेडो देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। इसे ज़रूर ट्राई करना अपने डिवाइस में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके सो नीचे ड्राउनड है, मैं नीचे नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मेरे पास तलवार वगैरह कुछ नहीं है, मैं खामा खा मर जाऊँगा। चलते हैं ऊपर और देखते हैं आगे, और एक्सप्लोर करते हैं इस वाली शेडर में। ये देखिए गाइज, ये हमारे जो एलिवेटर था पानी का। ओके तो इसमें लीव्स नहीं हिल रही, मैं आपको बाहर दिखाऊंगा, बाहर जो लीव्स हैं वो ज़रूर हिलती हैं ट्री की, बहुत अच्छा लगता है वो इफेक्ट। हम ऊपर आ चुके हैं और ये देखिए गाइस, कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है यहाँ से, कितना अच्छा व्यू है, पूरा एमसीपुर दिखता है ऑलमोस्ट। चलिए मैं बाहर चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके गाइस, तो चलते हैं नीचे। यार ये मैग्मा ब्लॉक से मैं हर बार ही फंसता हूँ, हर बार ही मरता हूँ मैं। फिलहाल तो खैर सीज़न 1 ख़त्म होने वाला है। ओके गाइस, ये है देखिए एपी गेमर का घर, और इनके घर में ये जो लीव्स लगा रखे हैं, ध्यान से देखिए गाइस, ये लीव्स जो हैं हिलती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखिए गाइस, ये लीव्स जो हैं हिलती हैं, कितनी अच्छे लगते हैं, ये देखिए बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। इसे ज़रूर ट्राई करना शेडर को, और मैं आपको एपी गेमर के अंदर से भी, एपी गेमर के घर के अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी लीव्स लग रही हैं। चलते हैं इनके घर के अंदर, और इनके घर के अंदर से काफ़ी सारी जो है चीज़ें दिखती है एमसीपुर की। ये देखिए गाइस, ये जो सामने डक है, एक डक है या फिर चिकन है, जो भी है, कितनी अच्छी लग रही है। ये वूल से बनाई है हमने, और इसके अंदर एक चिकन फार्म है जो कि काफ़ी अच्छा है, ये उज्जवल की क्रिएशन है। और ये देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है, ये जो ग्लो स्टोन नीचे है, इनका इफेक्ट भी कितना अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छी शेडर लगी मुझे ये, ज़रूर ट्राई करना। बाकी मैं और कुछ देख लेता हूँ अगर कुछ रह गया हो इस वीडियो में। चलते हैं आगे की तरफ, फिर आपको एक बड़ी न्यूज़ देनी है अपने एमसीपुर के सीज़न 2 के बारे में। ओके तो हम आ चुके हैं यहाँ एमसीपुर के मेन, जो आप कह सकते हैं हॉल या फिर कुछ भी कह लो इसे। यहाँ पे ये देखिए गाइस, ये एंडर चेस्ट का भी जो है टेक्सचर बदल गया है, और ये है पूरा अपना एमसीपुर। और सबसे अच्छी बात मुझे शेडर की गाइस यही लगी कि ये कंपैटिबिलिटी जो इसकी है वो सभी डिवाइसेस के लिए है, यानी कोई एरर नहीं आता, 0 एरर के साथ। और मैंने भी काफ़ी सारे शेडर्स यूज़ करी हैं, उसमें जो है मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ मतलब क्रैश हो जाता था, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ जाती थी, तो उन सब में से मेरे को सबसे अच्छी शेडर ये लगी। ट्राई ज़रूर करना। और अब बात कर लेते हैं एमसीपुर के सीज़न 2 के बारे में। ओके गाइस, सीज़न 2 आ रहा है 28 या 29 अराउंड, न्यू ईयर से 1 या 2 दिन पहले हमारा सीज़न 2 स्टार्ट हो जाएगा एमसीपुर का, और रजिस्ट्रेशन अभी ऑन है, 25 दिसंबर तक लास्ट डेट है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और फिर मैं आपको जो है लिस्ट निकालूंगा 25 को, फाइनल लिस्ट, जिसमें आपका नाम होगा या नहीं होगा, आप एमसीपुर में होगे या नहीं होंगे वो मैं बता दूंगा। ज्वाइन जरूर कर लो डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड दैट्स ऑल वाज इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।